सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मैं यहां पर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है जो आपका पर डे चलता है। हालांकि कल आपके लिए मॉक टेस्ट नहीं आया था क्योंकि कल आप लोग भी बिजी थे और थोड़ा सा हम भी बिजी थे, तो इस वजह से कल मॉक टेस्ट नहीं आ पाया था। लेकिन बाकी पर डे आपका मॉक टेस्ट 3:30 बजे रहता है, सभी को पता है। लगभग जिनको नहीं पता, जो हमारे नए व्यूअर हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि 3:30 बजे पर डे मॉक टेस्ट आपके लिए आता है। ठीक है, तो आज भी है, विज्ञान का मॉक टेस्ट है, 30 क्वेश्चन का सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों कि द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं, अरीए एक्सोडॉर्क या संयुक्त बंध कोलेटरल और संयुक्त खुले बाइलेटरल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अरीए और एंडॉर्क। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है कि मूसला जड़ पाई जाती है मक्का में, सरसों में, गन्ना में या धान में। तो देखिए दोस्तों, जो मूसला जड़ पाई जाती है वो सरसों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि सरसों के बीज आप लोगों ने देखा होगा, उसको हम बीज से दो दलों में विभाजित कर देते हैं, यानी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जिनके दाने अलग अलग हो जाते हैं, यानी बीज से अलग हो जाते हैं, तोड़ने पर नहीं, वो सिंपली बहुत ही आसानी के साथ अलग हो जाते हैं, दो बीज पत्रों में बदल जाते हैं, दो अलग अलग दलों में बदल जाते हैं, तो उस प्रकार के जो पौधे होते हैं, उस प्रकार के जो बीज होते हैं वो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, उनके जो पौधे होते हैं वो द्विबीजपत्री होती है। हालांकि मक्का है, मक्के को आप बीज से अलग नहीं कर सकते भाई, तोड़ के अलग कर सकते हैं लेकिन ऐसे आसानी से अलग नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे धान में होता है, धान का भी जो चावल होता है उसको हम नहीं अलग कर सकते हैं, उसी तरह गन्ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गन्ना जो है हमारी वो झगड़ा जड़े हैं, धान भी झगड़ा जड़े हैं और जो मक्का है वो झगड़ा जड़े हैं, लेकिन जो मूसला जड़े हैं वो है सिर्फ और सिर्फ सरसों। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है कि सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्प क्रम है सीमाक्ष है, असीमाक्ष है, मुंडक है या सूकी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हमारा असीमाक्ष हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं विखंडन है, मुकुलन है, खंडन है, उपर्युक्त तीनों हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा ही हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त तीनों यानी विखंडन भी है, मुकुलन भी है और खंडन भी है, तीनों अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प के भाग होते हैं जायांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। जो बच्चे उपरोक्त सभी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं वो। उसके बाद देखते हैं 36 नंबर यानी 6ठा क्वेश्चन देखते हैं कि एक पत्रीय बीज है, ठीक है, एक बीज पत्री है या फिर एक पत्री बीज को किसी भी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं, तो चना है, चावल है, मक्का है या अरंडी है या फिर अंडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, मक्का एक पत्रीय बीज, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा मक्का। हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा डाउट में है, डाउट में क्योंकि है, क्योंकि यहाँ पर बा और द दोनों करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, तो हालांकि ये मिसप्रिंट है, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं, और वहाँ पर आपको जो पेपर मिलेगा वो यहाँ पर ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर चावल चेंज होगा क्योंकि चावल भी जो हमारा है वो एक बीज पत्री है। ठीक है, उसमें एक बीज पत्र पाया जाता है, उसको हम बीज से अलग करके दो बीज पत्रों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे चना में है, चना में हम दो बीज पत्रों को, जैसे चना को भिगोते हैं, भिगोने के बाद उनके उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको हम हटाते हैं जो, ठीक है, और जो उसको हटाते हैं, छिलके हटाने के बाद उसमें दो दल दिखाई देते हैं।
ठीक है, दो दल दिखाई देते हैं, वो हो गए हमारे द्विबीजपत्री। यानी यहाँ पर बताया गया है एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री हमारा चावल भी हो जाएगा और मक्का भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो दा बताया गया है। ठीक है, हालांकि दोनों होंगे और यहाँ चावल की जगह पर कुछ और हो सकता है। चावल की जगह पर जैसे हमने कर दिया, मान लीजिए सरसों कर दिया, ठीक है, चावल की जगह हमने चावल हटा दिया और सरसों कर दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर में। ठीक है, तब हमारा ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि चावल भी हमारा एक बीजपत्री है, तो ये क्वेश्चन हमारा डाउट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों आंसर ये हमारे सही हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं दो बीज पत्री बताइए, तो दो बीज पत्री यहाँ पर मटर, चना, सेम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ दो बीज पत्री जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चना में भी दो बीज पत्री होती है, मटर में भी होते हैं और सेम में भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति है वायु है, पानी है, उपरोक्त तीनों है या उचित ताप है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, बीजों के अंकुरण के लिए वायु की भी आवश्यकता होनी चाहिए, पानी की भी उचित मात्रा होनी चाहिए और उचित ताप भी होना चाहिए। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, कवक, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु या सभी प्रकार के शैवाल या विषाणु। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जंतु, हरे पौधे, मांसाहारी जंतु या कीटभक्षी पौधे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हरे पौधे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है हरे पौधे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, समशिष्ट कहते हैं, जाति कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं या जीव कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, जाति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि जीव द्रव्य होता है सामान्य द्रव्य होता है या एक विलयन होता है या एक कोलाइड घोल होता है या फिर एक आयनिक घोल होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, एक कोलाइड घोल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है, गुड़हल है, गेंदा है, मटर है, गुलाब है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो मटर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम, वॉन हेलमान्ट या लुई पॉस्चर या पॉस्चर जिसे कहते हैं, और लैमार्क हो जाएगा या ओपेरिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, वॉन हेलमान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 45 नंबर की, कौन सा बीज एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री यहाँ पर कौन सा बीज है, चना है, सरसों है, मटर है या मक्का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चार, सॉरी ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर भी अभी बताया था कि मक्का जो होता है वो एक बीज पत्री होता है, यानी उसमें दो दल नहीं होते हैं, दल उसमें एक ही होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस बीज में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, आम में, मूंगफली में, रंडी में या फिर जिसे रेड कहते हैं या अरंडी कहते हैं। ठीक है, और हो जाएगा हमारा शाह नंबर हो जाएगा सेम में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरंडी में, जिसे रेडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दा नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस पौधे में अंकुरण वृक्ष पर लगे फल के अंदर हो जाता है, वृक्ष अंकुरण जो होता है वृक्ष पर लगे फल के अंदर ही हो जाता है, आम में हो जाता है, गुड़हल में, राइजोफोरा में या सिनकोना में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सिनकोना हो जाएगा। ठीक है, सिनकोना में क्या होता है कि फल के अंदर ही पौधा
अंकुरित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है, यानी द्विबीजपत्री है जिसमें दो दल भी हैं, यानी जिसमें मूसला जड़ पाई जाती है, वो बीज हमको बताना है, और उसके साथ भ्रूणपोषी बीज भी है। ठीक है, तो गेहूँ है, मक्का है, या एरंड है, इसे अरंडी कहते हैं, यानी वही नाम चेंज होकर आ रहा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अरंडी ही इसका वास्तविक नाम होता है, और हो जाएगा हमारा दा नंबर चना। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरंडी ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें द्विबीजपत्री भी होता है और भ्रूणपोषी भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं कि द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है, जो द्वितीयक केंद्रक है वो निषेचित होकर बनता है, बीज बनता है, फल बनता है, भ्रूण बनता है, या भ्रूणपोष बनता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भ्रूणपोष हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, मूल में होती है, फल में होती है, जायांग में होती है, या बीजांड में होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर श हो जाएगा, किसमें होती है, बीजांड में होती है। ठीक है, फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, किसमें होती है, बीजांड में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मक्का के पौधे में परागण होता है कीट द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, कृत्रिम रीत द्वारा होता है, या वायु द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर श करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं कि किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, गुड़हल का, रिफ्लेशिया का, वोल्किया का, या केली का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार, रिफ्लेशिया का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हमारा फूल होता है विश्व में वो रिफ्लेशिया का होता है। अगला क्वेश्चन है कि समय का मानक मात्रक है, घंटा है, सेकंड है, दिन है, या मिनट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार, सेकेंड है। ठीक है, समय का मानक मात्रक क्या है, सेकेंड है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि द्रवों का आयतन मापते हैं किलोग्राम में, मीटर में, वर्ग मीटर में, या लीटर में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रवों को मापते हैं, किसमें मापते हैं, लीटर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक है क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है, या टन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को कहते हैं, मात्रक कहते हैं, मापन कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, मापन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप नापने के लिए, वायुदाब नापने के लिए, आवाब दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सभी को पता होगा ये लगभग आंसर, ताप नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है, रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है, रेनफॉल नापने के लिए, वायुदाब नापने के लिए, या फिर आवाबा दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन से ही लग रहा है आंसर, यहाँ पर रेन गेज का यानी रेन फॉल नापने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा सीजीएस पद्धति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन है, डाइन है, किलोग्राम है, या कोई नहीं। तो सभी को पता है लगभग हमने 10th में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, और 12th में, यानी 9th से हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है किसमें होता है, डाइन में होता है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक मानक राशि कौन कौन है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। भौतिक मानक राशि कौन कौन सी है, द्रव्यमान भी है, समय भी है, लंबाई भी है,
यानी तीनों हैं, ठीक है। तो इस वजह से उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसके ऊपर वीडियोस आप लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई आप टॉपिक बताइए अगर उसके ऊपर वीडियो लेना चाहते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपकी आती रहेंगी। दोस्तों मॉक टेस्ट की टाइमिंग पता ही है 3:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो।